ओके वेलकम स्टूडेंट्स। कल आपको मैंने बताया था एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन तक, आज मैं आपको बताऊंगा एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। उसमें देखिएगा आप, यहां पर वन एस एंड थ्री पी, वन एस एंड थ्री पी मिलकर क्या बनाएंगे, फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर भी फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां पर क्या है, हर कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन वाले हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ओवरलैपिंग करेंगे इसके साथ ऐसे। ये यहां पर तीन हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अब इसकी ऑर्बिटल पिक्चर मैं बनाऊंगा तो कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी एक कार्बन यहाँ, इसके पास चार एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक दो तीन और एक चार, ये एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है। सॉरी, ये सब एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ऐसे यहां पर ले लेंगे हम, ये सब ओवरलैपिंग कर जाएगा। सॉरी, यहां क्या होंगे हमारे हाइड्रोजन, दिस इज हियर एंड दिस हियर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्ट्रक्चर को हम क्या दिखा देते हैं, ऊपर एस दिखा देंगे, सी सिंगल बॉन्ड सी, ये बॉन्ड एच, ये बॉन्ड एच, एच एच एंड एच, ठीक है। ये हमारी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी इसकी। तो समझिए क्या होता है, जब हमारा एक एस और एक पी, सॉरी एक एस और तीन पी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होते हैं, दे फॉर्म फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, चार एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। देखिए, वन वन एस एंड थ्री पी एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज, दे फॉर्म फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूल हैविंग एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन विल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री 28 मिनट। फॉर एग्जाम्पल C2S6 कॉमा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड यानी SiCl4। अब आप इसमें कैसे देखेंगे, सपोज कीजिए कार्बन है हमारा, जैसे कल बताया था आपको, ये एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फिगेशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट 2p में, उसके बाद क्या होगा, 1s एंड 3p मिलके 4 बनाएंगे 4sp3, ये भी 3p और 1s 3p मिलके क्या बनाएंगे 4sp3। अब यहां पर क्या होगा, यहां ओवरलैपिंग होगी, हर कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन है तो उसके साथ ओवरलैपिंग कर जाएंगे और एक एक कार्बन आपस में ओवरलैपिंग कर जाएगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी और इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हुई हमारी, एसपी थ्री हाइब्रिडाइजेशन, और किसका हुआ केवल अभी हमारा, आपका क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कार्बन का। अब अगर हम बात करें बिना कार्बन वाला मॉलिक्यूल, जैसे मैं आपको SiCl4 ले लेता हूं, तो SiCl4 में क्या करूंगा समझिएगा, SiCl4 में हम करेंगे, यहां तक मैं टेट्राहेड्रल से बनाते, मैं आपको यही दिखा रहा हूं। SiCl4 में मान ले सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14, तो यहां क्या होगा हमारा 3s2 3p2 ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन 3s से निकल करके 3p में पहुंच जाएगा, तो क्या होंगे s में और 3p में, तो क्या हुए हमारे 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। अब चार क्लोरीन एटम के सिंगल लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में यहां दिखा दूंगा ऐसे, ये चार क्या हमारे क्लोरीन एटम है, ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे इसके साथ, ठीक है। यानी एक ये सब क्लोरीन एटम चारों चारों, और इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो ऐसा बन जाएगी SiCl CL 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 एंड CL, ओके। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक SiCl4। तो ये SiCl4 की स्ट्रक्चर हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद बेटा आप देखेंगे ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो अब तक आपको क्या पता चला, अब तक आपको यह पता चला कि अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, देख रहे हैं आप कार्बन में सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है,
अगर कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, डबल बॉन्ड जुड़ा होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा होगा तो sp हाइब्रिडाइज होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हाइब्रिडाइज स्टेट का पता चलता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो कार्बन वाले कंपाउंड में तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp, sp2 एंड sp3। लेकिन अगर बिना कार्बन वाले कंपाउंड की बात करते हैं तो उनमें और भी हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, वो कौन से होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन आता है, इसको बोलते हैं sp3d। ये sp3d है, क्या होगा, व्हेन वन हैज 3p एंड 1d एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज, दे फॉर्म 5, क्या बनाएंगे वो, 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूल हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन विल हैव ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल। दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल PCl5। अब यहां पर केवल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक वाले नहीं होते। आप कहेंगे कैसे, देखो क्या करेंगे हम, मान लिया हम PCl5 लेते हैं तो हमने फास्फोरस लिया। अब यहां समझना अच्छी तरीके से, इनऑर्गेनिक का हम कैसे लिखते हैं। यहां पर क्या हुआ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ये तो बेटा ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन हुआ। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 3s निकल के 3d में पहुंच जाएगा, तो 1s2, 2p6, 3s1, 3p3 एंड 3d1। डी ऑर्बिटल होगा यहां पर भले खाली हो, या हम ऐसा समझ लेंगे, इनको मैं ऐसे लिख देता हूं, 3s1, 3p3 एंड 3d1, 1 2 3 4। तो ये 3s हुआ बेटा, ये 3p हुआ, और ये क्या हुआ हमारा, 3d हो गया। अब आप क्या देखेंगे यहां पर, जब एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो कितने बनाते हैं, 5sp3d। तो पहले इसका नाम क्या था, इस वाले मॉलिक्यूल का नाम था s, इसका नाम था, सॉरी, इस ऑर्बिटल का नाम था s, इस ऑर्बिटल का नाम था p, इस ऑर्बिटल का नाम था d। तो अब जब ये बन गए, ये भी sp3d हो गया, ये भी sp3d, sp3d, sp3d एंड sp3d, सबके नाम क्या हो गए, sp3d हो गए। अब ये PCl5 में 5 क्लोरीन होती है, तो आप ये समझ लिए, एक क्लोरीन का तो मैं पूरा वो दिखा रहा हूँ कॉन्फिगरेशन, ऐसे 17 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 का जो कॉन्फिगरेशन है, 1 2 1 2 3 4, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे ओवरलैपिंग कर गया। अब मैं यहाँ बार बार पूरा कॉन्फिगर ना लिख करके लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ हर क्लोरीन एटम का, दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच क्लोरीन एटम, Cl Cl एंड Cl, ओके, सो दे विल ओवरलैप, ये ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है। तो एक में मैंने आपको दिखाया कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसे ओवरलैपिंग करता है पी ऑर्बिटल का, क्योंकि जब पी ऑर्बिटल सारे हमने इतने इलेक्ट्रॉन दिखाने की जरूरत नहीं, हम लास्ट वाला दिखा देंगे तो अंडरस्टूड है ये बात। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, अब आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो आप यहाँ इसकी स्ट्रक्चर ले लेंगे, क्या होगी देख लो, ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, 3 4, और ये आपकी 5, और इनको बाद में मिला देते हैं हम आपस में, ऐसे कैसे मिलाएंगे देखो, ये ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल गए, ये ऐसे मिल गए, और ये ऐसे मिल गए। यहाँ बॉन्ड एंगल हुआ हमारा 120 डिग्री का, और यहाँ बॉन्ड एंगल हुआ हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ट्राइंगल बन गया है बाई पिरामिडल, एक ऊपर एक नीचे, ये बॉन्ड कहलाते हैं, इनको बोलते हैं आपका इक्वेटोरियल, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और ये वाली जो आप क्लोरीन ऊपर नीचे वाली, इसको बोलते हैं एक्सियल, एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड होते हैं और
इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका हाइब्रिडाइजेशन में बताएंगे किस तरह मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी, किस तरह मॉलिक्यूल बनेगा, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, मैंने आपको बताया अभी sp3d, ठीक है। तो पहले sp हुआ, फिर sp2 हुआ, फिर sp3 हुआ, फिर sp3d हुआ, उसके बाद में आएगा sp3d2, और उसके बाद में आएगा sp3d3, और उसके बाद एक और आएगा। तो इस तरीके से आप लगभग ये लगा लीजिएगा, ये आपका 4, 5, 6, 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, 7 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत काम आएंगे जब आप अगले साल 12th में पढ़ेंगे। यहाँ तो इनका इंट्रोडक्शन है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और अगले साल 12th में इनका एप्लीकेशन होगा, वहाँ आप इनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे हम आप इसके बाद, अब इसके बाद आते हैं बेटा हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। मैं लिख देता हूं यहां पर sp3d2 क्या होता है, when one s 3 एक s 3 p and 2d 2d एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज दे फॉर्म 6, क्या बनाएंगे वो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूल हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विल हैव ट्राइगोनल बाई विल हैव ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसमें 90 डिग्री। कैसे समझेंगे आप इसको, यहां फिर आते हैं हम आपका, फॉर एग्जाम्पल आपका सल्फर SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, क्या करेंगे यहां समझिएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, सल्फर ले लिया 16, कॉन्फिगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन है। जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन s से और एक इलेक्ट्रॉन p से निकल के d में पहुंच जाएंगे, तो 3d2 हो जाएगा। कैसा हुआ है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फिगरेशन। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिख लेंगे, क्या होगा अब यहां पर समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन में यहां बढ़ा देता हूं तो ये क्या हुआ 3s 3p 3d कितने मिलके बनाएंगे, अब यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है, यहां तक आ गया। और हम क्या करेंगे, अब 7 किलोनीन एटम दिखा देंगे यहां पर, अभी तो हमने 6 दिखाए थे, अब की बार 7 दिखा देंगे। आप समझ लीजिएगा, एक क्लोरीन मैंने यहां बना दिया, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सॉरी फ्लोरीन एटम है हमारे, फ्लोरीन और क्लोरीन और सबके वैलेंस सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे इस तरीके से, और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बन जाएगी, मैं जो ऊपर दिखा रहा हूं आपको ऐसे, यहां सल्फर 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3, इनको आपस में से मिला देते हैं, यहां फ्लोरीन और 1 फ्लोरीन ऊपर 1 फ्लोरीन नीचे, बॉन्ड एंगल आपका 90 डिग्री, क्या कहलाती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल कहलाती है, ठीक है बेटा। समझिए फिर दोबारा क्या होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, जब एक s ऑर्बिटल हो हमारा और एक क्या हो हमारा, एक s हो 3p हो और 2d हो, एक s 3p 2d मींस व्हेन वन s 3p व्हेन वन s 3p एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज दे फॉर्म 6 sp3d2 hybrid orbital and molecule having sp3d2 hybridization will have octahedral structure with bond angle किसके बराबर होगा 90 डिग्री के। एग्जाम्पल है SF6 का और आपको ये दिखा दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये कॉन्फिगरेशन होता है हमारा
sp3d2। उसके बाद समझ गए होंगे आप, सिंपल एक की तरह है, जैसे पहले बताया था ऐसे ही होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए जी sp3d3 लेते हैं, तो सारे टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो जाएंगे आपके। क्या होगा इसमें, वेन 1s कॉमा 3p एंड 3d ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड। दे फॉर्म सेवन sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड मॉलिक्यूल हैविंग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन will have pentagonal bipyramidal structure with bond angle विद बॉन्ड एंगल। दो तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल IF7, जो IF7 होता है इसी का एग्जाम्पल होता है। तो क्या होगा, इसमें आपका आयोडीन 53, तो इसका कॉन्फिगरेशन होगा 5s2 और आपका 5p5, ये कॉन्फिगरेशन हो रहा है। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी ये तो इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फिगरेशन हुआ। उसके बाद में क्या होगा, यहां पर 5s, 5s1, 5p आपका 3 और 5d 4d 2, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे हमारे, यहां पहुंच जाएंगे, या हम इसको क्या करेंगे, वन टू थ्री सॉरी 5d और यहां पर क्या रहेगा 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 डी में, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे यहां से, 1s 3p और 2d क्या होंगे, ये हो जाएंगे 7 sp3 d3। अब आप क्या करेंगे, 7 फ्लोरीन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये फ्लोरीन आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां से, अरे यार बीन 3 3 6 3 होंगे, और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी कैसे, ऐसे बनाएंगे आप,
एक आयोडीन यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये जो बॉन्ड होते हैं ये तो होते हैं 72 डिग्री के, और एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। ये जो बॉन्ड होता है ये होता है हमारा 90 डिग्री का। फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ओके। सो दिस इज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर समझिएगा, वेन वन एस कोमा 3p एंड वन एंड 3d एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज, दे फॉर्म 7 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूल हैविंग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन विल हैव पेंटागोनल बाई पिरामिड स्ट्रक्चर विद बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल IF7, या IF7 का एग्जाम्पल है। आइडेंटिटी कॉन्फिगर लिखा, इलेक्ट्रॉन आपको क्या एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद में क्या वहां पर हमारा ये आपका कॉन्फिगर हो जाएगा, और कॉन्फिगर होने के बाद में आपका हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये आप ऐसे दिखा देंगे। हालांकि ये आपको मोस्टली 12th में जरूरत पड़ेगी इसकी, 11th में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा होता है sp3 और आपका d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक लास्ट हाइब्रिडाइजेशन और आता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वो आपके यहाँ पर अभी है नहीं, वो उसको हम अगले साल ही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का केस हुआ, ठीक है जी। तो कभी भी आपको कोई भी, आपको क्या बात समझ में आई इसमें, मोटी मोटी समझिएगा कार्बन के बारे में पर्टिकुलर। अगर कोई कार्बन बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्डेड है sp2 हाइब्रिडाइज होगा, कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। तो कार्बन के बारे में हम ऐसे पता करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, कि वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दे देता है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, वो आपको कहता है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब वो कहता है बताइए इनमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए हर एक कार्बन एटम का। पहली बात तो नंबरिंग की तरफ करेंगे, वो आपको ऑरिंग की वजह बताई जाएगी। अभी तो आप समझ लीजिएगा 1 2 3 4 ऐसे हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो देखो ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो कौन सा होगा, sp2। ये कार्बन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा दिखाई दे रहा है sp2, लेकिन ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp3। ये कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब sp। ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, sp। तो जब आपसे पूछे कि किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन बताइए कार्बन का, तो कार्बन के लिए केवल आपको एक ही बात याद रखनी है कि यदि वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है तो डबल बॉन्डेड होगा, sp हाइब्रिडाइज है ट्रिपल बॉन्डेड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज है तो सिंगल बॉन्डेड होगा। तो इस तरीके से हम इनको कर लेते हैं। ये तो बात हुई आपकी हाइब्रिडाइजेशन की। अब अगर वो क्या करे, आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे और पूछे कि भाई इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए कैसे निकालोगे, एनसीईआरटी में आपको वो नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक। वो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन देते हैं, बताइए ये आपको मॉलिक्यूल दे दिया इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जैसे मान लीजिए क्या होगा, हम यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, फॉर्मूला है हमारा H बराबर V माइनस M प्लस C माइनस K, सॉरी V प्लस M माइनस C प्लस A, ये फॉर्मूला हमारा। जहां V क्या है, V का मतलब होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, M का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम
यानी मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट क्या होंगे? जिनकी वैलेंसी प्लस वन हो या माइनस वन हो। फॉर एग्जाम्पल हेलोजन या हाइड्रोजन, ये क्या होते हमारे मोनोवेलेंट होते हैं। उसके बाद आगे क्या आता आपका सी, सी का मतलब है चार्ज ऑफ कैटायन, अगर वो कैटायन है तो उसका चार्ज, और ए का मतलब है चार्ज ऑफ एनायन, यानी अगर वो एनायन है तो उसका चार्ज। तो कैसे करेंगे हम, देखिए हम क्या करते हैं, अब इस फॉर्मूले से हमें किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सपोज कीजिए हमको PCl5 में निकालना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, हमें नहीं पता अभी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जी। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगाएंगे H इज इक्वल टू V प्लस M माइनस C प्लस A। तो यहां पर क्या है आपका, देखो जो आपका V है उसका मतलब जो सेंटर एटम उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फास्फोरस के वैलेंस सेल में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। M का मतलब है नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयन, यानी उन आयन की एटम की संख्या जिनकी वैलेंसी प्लस वन या माइनस वन हो। तो हेलोजन है यहां पर 5, ये 5 हो गए, माइनस 0 ना तो ये कैटायन है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, प्लस 0 ना ये एनायन है, तो वैल्यू कितनी आई हमारी, और इससे पहले हाफ हो रहा है हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, यहां से क्या हुआ हाफ, ये भी हाफ हो गया। जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी एच की वैल्यू 5 का मतलब होगा sp3d, ऐसे जोड़ लेंगे एक s 3p 4d 5, अगर 5 लिखा था इसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। मान लीजिए आपसे कहता है SiCl4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो फॉर्मूला लिखोगे हाफ वी प्लस एम माइनस सी प्लस ए, यहां से क्या होगा हाफ वैलेंस सेल में, यहां पर क्या सिलिकॉन एटम है 4 होते हैं, 4 इसके पास क्या क्लोरीन है प्लस 4, ना कैटायन है ना एनायन है, तो क्या हुआ यहां पर ये 4, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 का मतलब क्या हुआ एक s और 3p, तो 4 हाइब्रिड, इसका मतलब क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब अगर मान लीजिए आप और किसी मॉलिक्यूल में निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लिया आपने IF7 ले लिया, इसमें निकाल लेंगे तो क्या होगा H इज इक्वल टू हाफ, आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ इसमें फ्लोरीन है, माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हुआ sp3 dehybridization, sp3 d3, 3 3 6 1 7, इसका मतलब ये होता है। तो हो गया इस तरह हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। और कहीं भी कार्बन है, अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, इफ कार्बन इज सिंगल बॉन्ड यानी वो सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो sp3, डबल बॉन्ड जुड़ा है तो sp2, और ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो sp, ऐसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब अगर ये तो बात हुई हमारी किसकी, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिया था, लेकिन सपोज कीजिए आपको क्या दे दिया उन्होंने, अब आपको उन्होंने दे दिया एनायन कोई, मान लीजिए आपको इन्होंने एनायन दी कार्बोनेट आयन CO3 2-, इसमें निकालना आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब सेंट्रल मेटल एटम का होता है, तो क्या होगा यहां पर हाफ, सेंट्रल एटम कौन है कार्बन, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे 6 प्लस। अब देखो यहां पर ऑक्सीजन है, ना तो फ्लोरीन है ना हाइड्रोजन है, यानी ऑक्सीजन डाइवेलेंट आयंस होती है, यानी जिसकी वैलेंसी -2 है, तो मोनोवेलेंट तो है नहीं। फॉर्मूले में क्या दे रखा है हमें, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट आयंस, तो वो तो है नहीं, तो इसके लिए क्या पुट करेंगे 0 -0, चूंकि ये क्या है हमारा कैटायन तो है नहीं, ये एनायन है, एनायन का कैटायन का चार्ज सब्ट्रैक्ट होता, कोई एनायन नहीं है, सॉरी कैटायन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा चार्ज 0। अब एनायन चूंकि एनायन है, एनायन का चार्ज जो है जो वो रख दो, कितना आ गया हमारा, यह आ जाएगा आपका सॉरी कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा 4 + 2 × 6 × / 2 = 3, इसका मतलब क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वैसे भी अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बोनेट की, तो क्या होती है कार्बोनेट की स्ट्रक्चर, मैं यहाँ बना देता हूँ।
कार्बोनेट की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो भी तो ऐसे होती है, टू माइनस, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो वैसे पता चल जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो ये मेथड हमारा हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का होता है, किसी मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से यहां तक। अब हम आगे बात करते हैं, ये तो हमारी एनायन की बात थी, अब क्या आएगी कैटायन की बात। कैटायन क्या लिया हमने, सपोज कीजिए NH4+ ले लिया हमने, अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, H=12V+M-C+A। सो हाफ V का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट आयन की संख्या कितनी है हमारी 4, कैटायन है, कैटायन का 4 क्या है 1, तो -1+0, इसका मतलब क्या हुआ 4, इसका मतलब क्या हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताता हूँ, एक देखो कैसे एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या दिया है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटा आपका, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज खोलिए आप, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज आप देखेंगे तो चैप्टर 4 की एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, मैं आपको 4.30 क्वेश्चन बता रहा हूं। इन्होंने कहा विच हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज इन द कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, दिस इज द 4.30 एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका ये। तो पहला उन्होंने दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हम इसको खोल के लिख लेते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूले में ऐसे, तो हम पता चल जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्डेड है डबल बॉन्डेड है। तो पहला मॉलिक्यूल तो ये हुआ हमारा, अभी बताऊंगा पहले सबको लिख लेता हूं मैं। दूसरा मॉलिक्यूल क्या है CH3CH, फिर स्क्वायर लिखिएगा डबल बॉन्ड CH2। तीसरा मॉलिक्यूल क्या है, तीसरा ये आपका CH3CH2OH, फिर इसको मैं लिख लेते हैं CH3CH2OH। उसके बाद हम 4 लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका, यहां पर क्या होगा बेटा फोर्थ पार्ट में देखिए, फोर्थ पार्ट में यानी ये ए पार्ट था, ये बी था, सॉरी ये आपका सी था, और ये आपका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बेटा, डी पार्ट में उन्होंने आपको दिया है CH3CHO। जब तक आप खोलेंगे नहीं पता नहीं चलेगा, कार्बन से हमेशा ऑक्सीजन नॉर्मली डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऐसे हो जाएगा इसकी स्ट्रक्चर। ई की बात करते हैं, ई में क्या CH3CH2OH, COH ऐसे लिखेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, तो हमारा CH3CH3CH3COH हुआ। ठीक, अब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। बताया था आपको कोई भी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो sp3, ये कार्बन भी sp3 और ये भी sp3 होगा। इस मॉलिक्यूल में बात करते हैं, ये सिंगल बॉन्डेड है sp3, ये डबल बॉन्डेड है sp2, ये डबल बॉन्डेड है sp2। अब यहां जाते हैं, सिंगल बॉन्डेड है sp3, सिंगल बॉन्डेड है sp3, सिंगल बॉन्डेड है sp3, डबल बॉन्डेड है sp2। सिमिलरली सिंगल बॉन्डेड sp3 एंड डबल बॉन्डेड sp2।
So this will be the answer of these questions. So students, if you will try for these things, then you can calculate the hybridization. तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में वो भी बताया जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, और आपको हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल को कैसे निकालना है उसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहीं तक आज आपको कराएंगे. वेलकम, थैंक यू.